हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पलाइन आरके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ। भाई आज की वीडियो का कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, अपडेट के बाद में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया चेंज करना। मेरे को कई भाइयों का फोन भी आया था कल कि भाई यार हमने जो है इंस्टाग्राम का यूजर नेम चेंज करना है और कैसे करें। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं भाइयों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो गाइज आपने क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ऑल पे जरूर से सेट करें, ताकि हमारी कोई भी अगली न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मैं आपकी सबसे पहले मदद कर सकूं। तो गाइज ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूं। तो गाइज आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देख सकते हैं आप मेरे साइड में जो स्क्रीन चल रही है उसे देख रहे होंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन ओपन होने के बाद भी आपके सामने कुछ ऐसे प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इस इंटरफेस के अंदर आपको राइट साइड के अंदर नीचे आपकी प्रोफाइल पिक्चर दी होगी छोटी सी, जो आपने प्रोफाइल पे अपनी पिक्चर लगा रखी है वो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद भी आपके सामने फिर से एक जो है नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ गाइस एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आप अपने जो बायो डाटा लिखा होता है, आईडी का जो प्रोफाइल लगी हुई है, उससे नीचे आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर, तो उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में भी आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और भी यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, यूजर नेम का ऑप्शन आपको सामने ही मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे ऊपर नेम का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने नेम नहीं डाला तो आप इस प्रकार इसके अंदर कोई नेम भी डाल सकते हैं, जैसे मैं कोई नेम लिख देता हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, देख सकते हैं मैंने रोक लिख दिया, तो इसके अंदर मेरा नाम जो था वो अभी भी सेव हो चुका है रोक। और सेव करने के लिए आपको, मतलब अगर आप यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो भी इसके अंदर यूजर नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपने यूजर नेम वाला सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद भी आपके सामने देख सकते हैं आपका जो नया इंटरफेस ओपन हो गया, आपका कीबोर्ड ओपन हो चुका है। आपने क्या करना है, पुराना जो यूजर नेम है उसको हटा देना है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने पुराना यूजर नेम जो था हटा दिया है, अब यहाँ पे मैं नया यूजर नेम जो है डाल देता हूँ। जैसे देख सकते हैं मैंने जो है नया यूजर नेम डाल दिया, और अभी इसके अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ आ गया है कि आपका जो ये यूजर नेम है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके अंदर ये लिखा आ रहा था कि अवेलेबल नहीं है। अगर ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपके जो आपने यूजर नेम डाला हुआ है उसके आगे जो है एक टिक देखने को आपको मिल जाएगा, तो भी आपको अगर यहाँ पे एक ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है और ऊपर अगर आपका जो सेव वाला जो टिक है वो ब्लू दिखाई दे रहा है तो आपका यूजर नेम सही है। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो गाइस आपका यूजर नेम गलत है, आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तो देख सकते हैं मेरे जो यूजर नेम का जो टिक है वो ब्लू हो चुका है, तो उस पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद भी देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ग्रीन टिक आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम ने ग्रीन टिक दे दिया है कि भैया आपका जो यूजर नेम है बिल्कुल परफेक्ट है, इस प्रकार का कोई यूजर नेम पहले नहीं है, आप अपने इस यूजर नेम को जो है सेव कर सकते हैं। तो भैया आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर ही ऊपर एक ब्लू टिक दिया गया है उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद देख सकते हैं गाइस ये जो है अपना यूजर नेम जो है चेंज हो चुका है फाइनली। ये देख सकते हैं रोकार के 03 मेरा जो यूजर नेम था वो मैंने चेंज कर दिया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।